हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2000 में आई अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन। आज से हम फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज की पहली फिल्म है। इस फ्रेंचाइज में टोटल 5 मूवीज, 2 कॉमिक बुक्स और 9 नॉवल्स हैं। तो इस सीरीज में आप इसकी 5 मूवीज देखने वाले हो और 5th वीडियो के एंड में मैं आपको 6th मूवी की भी डिटेल्स दूंगा कि वो कब रिलीज होगी और उसका प्लॉट कैसा है। तो ऐसे ही और सीरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो ये सीरीज इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। कुछ साल पहले जब एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे, तब हर किसी के फोन में इस फ्रेंचाइज की वीडियो क्लिप्स होती थी, जो कि सब ब्लूटूथ से एक्सचेंज करते थे, बिल्कुल रॉन्गटन की तरह। अब ये फ्रेंचाइज खास इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। ये मूवी तब आई थी जब एक न्यू जनरेशन स्टार्ट हो रही थी और इसके न्यू कॉन्सेप्ट ने इसे सबसे अलग बनाया। इसमें कुछ टीनेजर्स जंगल में एक कैबिन में मरने नहीं जाते, ना ही इसमें कोई फैमिली एक नए घर में जाती है जहां उन्हें भूत चिपट जाए। जिन्होंने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी उन्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए, और जिन्होंने देखी है वो सोचते होंगे कि इस सीरीज में किलर नहीं है, लेकिन इसमें किलर है और उसका नाम है डेथ। अब आप कहोगे कि डेथ तो हर मूवी में होती है, लेकिन इसमें डेथ ही किलर है। अभी ये बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो के एंड में हम इसके कॉन्सेप्ट, टाइटल और बाकी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और मैं आपको मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जिनसे मूवी और भी ज्यादा स्पेशल बन जाती है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जो कि सीनियर ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। उन स्टूडेंट्स में थे एलेक्स, टॉड, टॉड का भाई जॉर्ज, कार्टर, उसकी गर्लफ्रेंड टेरी, बिली और क्लेयर। उनके साथ दो टीचर्स मिस ल्यूटन और मिस्टर मरनाव भी थे। सभी इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन एलेक्स को कुछ अजीब लग रहा था। वो कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट था। उसे लग रहा था जैसे हर चीज़ उसे कुछ कहना चाह रही है, जैसे उसका डिपार्चर टाइम एग्जैक्ट उसकी बर्थ डेट थी, September 25, यानी कि 9:25, और एयरपोर्ट पर जॉन डेनवर का रॉकी माउंटेन हाई सॉन्ग चल रहा था। जॉन डेनवर एक सिंगर थे जो कि प्लेन क्रैश में ही मरे थे। एलेक्स को ऐसे कई सारे सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस फ्लाइट पर चढ़ जाता है। वो अपनी सीट पर बैठता है, तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं सीट एक्सचेंज करने के लिए। एलेक्स अपनी सीट से उठकर टॉड के पास चला जाता है। उस सीट पर बैठते उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन निकल जाती है। प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और एलेक्स सोच रहा था कि वो प्लेन से उतर जाए, लेकिन इसके लिए अब देर हो चुकी थी। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सभी बहुत खुश थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है। प्लेन बेकाबू हो चुका था और सभी दहशत में थे। तभी प्लेन की लेफ्ट साइड खुल जाती है और लोग बाहर गिरने लगते हैं, लेकिन ये सब ऐसे खत्म नहीं होना था। उस प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं। तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है। वो सपना देख रहा था, लेकिन क्या वो सिर्फ सपना ही था? क्योंकि एलेक्स को उठाया था उन्हीं दो लड़कियों ने जो कि सपने में उससे सीट एक्सचेंज करने आई थी, और रियलिटी में भी वो उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं। ये सुनकर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी से टॉड के पास वाली सीट पर जाता है और अपने आगे वाली चेयर को चेक करता है तो उसकी लॉक पिन निकल जाती है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसके सपने में हुआ था, यानी कि वो कोई सपना नहीं था। एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया था। इसे प्रेमोनिशन या डेजावू भी कहते हैं। हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है, या ये मैंने पहले सपने में देखा था। अब एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पैनिक कर जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर और लोग भी डर जाते हैं। उसका क्लासमेट कार्टर उससे लड़ने लगता है, जिस वजह से उन्हें प्लेन से उतार दिया जाता है। उन दोनों के साथ टेरी, टॉड, बिली, क्लेयर और मिस ल्यूटन भी प्लेन से उतरे थे। टेरी कार्टर की वजह से उतरी थी, टॉड एलेक्स की वजह से, बिली बिना बात के उतर गया था, और मिस ल्यूटन उन सब के लिए। लेकिन क्लेयर के उतरने की कोई वजह नहीं थी। वो इसलिए उतरी थी क्योंकि उसे एलेक्स की बात पर यकीन हो रहा था। अब उन्हें पेरिस की नेक्स्ट फ्लाइट में जाना था। एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने प्लेन को क्रैश होते हुए देखा और वो बिल्कुल असली लग रहा था। उसकी बातें सुनकर कार्टर फिर से उसे मारने लगता है। उनका प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन अब सबके होश उड़ने वाले थे क्योंकि एलेक्स की कही बात सच हो जाती है। वो प्लेन टेक ऑफ करने के बाद ही ब्लास्ट हो जाता है। उन सबके मुंह खुले रह गए थे और अब उन्हें एलेक्स से डर लग रहा था। टॉड का भाई जॉर्ज भी उस प्लेन में ही था। अब क्योंकि वो उस क्रैश के सर्वाइवर थे, इसलिए दो FBI एजेंट्स विनी और श्रेक उनसे अलग अलग पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। उन्हें सिर्फ एलेक्स पर शक था क्योंकि उसने प्लेन क्रैश होने से कुछ मिनट पहले ही ये कहा था कि ये प्लेन क्रैश होगा, लेकिन उसे जेल में डालने के लिए उतना काफी नहीं था। उन सभी के पेरेंट्स आते हैं और उन्हें ले जाते हैं, लेकिन क्लेयर के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए एलेक्स के पेरेंट्स ही उसे घर ड्रॉप करते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 डेज के बाद स्कूल में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि स्कूल के 39 लोग उस हादसे में मरे थे। उस मेमोरियल में सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स शामिल हुए थे।
टॉड के फादर एलेक्स को ही घूर रहे थे क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही मानते थे, लेकिन टॉड जानता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है। फिर भी टॉड के फादर की वजह से उनका मिलना जुलना बंद था, लेकिन टॉड कहता है कि सिचुएशन ठीक होने के बाद वो उससे जरूर मिलेगा। मिस ल्यूटन भी एलेक्स से बात नहीं करती, सिर्फ क्लेयर ऐसी थी जिसे लगता था कि एलेक्स ने उनकी जान बचाई। वो सब लकी थे क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ टाल दी थी, लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हें लगता था। डेथ के पास उनके लिए और भी प्लान्स थे। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर देख रहा था तभी उसकी विंडो पर एक आउल आकर बैठ जाता है। उसे भगाने के लिए वो उसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है और न्यूज़पेपर फैन में अटक जाता है जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा एलेक्स के पैर पर आकर गिरता है जिसके ऊपर टॉड लिखा था, यानी कि डेथ उसे बता रही थी कि अब टॉड की बारी है। उधर टॉड बाथरूम में जाता है और अचानक पानी में उसका पैर फिसल जाता है जिससे एक वायर उसके गले पर लिपट जाती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। कहते हैं ना कि जब मौत आनी हो तो बंद कमरे में भी आ जाती है। एलेक्स भी जल्दी से उसके घर जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉड के पेरेंट्स को लग रहा था कि टॉड ने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर लिया, जबकि एलेक्स को पता था कि टॉड ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ पर वो दोनों FBI एजेंट्स भी थे और एक बार फिर से एलेक्स उनकी नज़रों में आ जाता है। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है क्योंकि सिर्फ वो ही उसकी बातों पर यकीन करती थी। एलेक्स को यकीन नहीं था कि टॉड ने सुसाइड किया है, इसलिए वो दोनों मॉर्ग में जाते हैं टॉड की बॉडी को देखने। वहाँ उन्हें मॉर्टिशियन विलियम मिलता है जो कि टोनी टॉड है, यानी कि कैंडीमैन। विलियम उन्हें बताता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है क्योंकि टॉड ने उस वायर को पुल करने की कोशिश की थी, ये उसके गले पर लगे निशानों से पता चल रहा था। विलियम उन्हें बताता है कि डेथ में कोई कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं होता, सबके लिए डेथ का एक डिजाइन होता है जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया उस प्लेन से उतरकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ को चीट करके उनकी उम्र बढ़ गई है। टॉड को देखकर पता चल रहा है कि डेथ ने उनके लिए एक नया डिजाइन बनाया है और वो उन सभी की जान लेकर ही जाएगी। एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर बैठकर डिस्कस करते हैं कि वो डेथ के न्यू डिजाइन को कैसे चीट कर सकते हैं। वो एक बार अपनी मौत टाल चुका था और वो ऐसा दोबारा करना चाहता था। इत्तेफाक से वहां पर सारे सर्वाइवर्स फिर से मिल जाते हैं और तभी एक बस टैरी को उड़ाकर चली जाती है। ये देखकर उन सबके होश उड़ गए थे क्योंकि दो सर्वाइवर्स मर चुके थे और इसका यही मतलब है कि उनकी मौत नहीं टली है। एलेक्स अपने घर पर न्यूज़ देख रहा था तब उसे पता चलता है कि प्लेन में एक्सप्लोशन कहां से शुरू हुआ था और वो किस पैटर्न में आगे बढ़ा, और उसके हिसाब से वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक्सप्लोशन में सबसे पहले टॉड मरता, फिर टैरी, फिर मिस ल्यूटन, फिर कार्टर, फिर बिली, फिर एलेक्स और आखिर में क्लेयर। वो डेथ के पैटर्न को समझ लेता है। अब टॉड और टैरी तो मर चुके थे, यानी कि अगली बारी है मिस ल्यूटन की। एलेक्स जल्दी से मिस ल्यूटन के घर जाता है लेकिन मिस ल्यूटन उसे खिड़की से देख लेती है और वो सोचती है कि एलेक्स उसे मारने आया है। वो जल्दी से उन FBI एजेंट्स को कॉल मिला देती है। वो एजेंट्स आते हैं और एलेक्स उन्हें ताक झांक करते हुए मिलता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा था। एलेक्स उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि अगली बारी मिस ल्यूटन की है। उसकी बातें उन्हें हजम नहीं होती और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत था, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। उधर मिस ल्यूटन एक रैकेट प्ले करती है और ये जॉन डेनवर का वही सॉन्ग है जो उस दिन एयरपोर्ट पर चल रहा था। वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और फिर उसे फेंक देती है। इसके बाद वो उसी कप में आइस और चिल्ड वॉडका डालती है जिससे वो कप क्रैक हो जाता है। उस कप को वो अपने कंप्यूटर के ऊपर ले जाती है और उस कप से लीक होता पानी कंप्यूटर में गिर जाता है जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मिस ल्यूटन पास जाकर देखती है और तभी वो मॉनिटर ब्लास्ट हो जाता है और कांच सीधा उसके गले में घुस जाता है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन सब कुछ और भी ज़्यादा वर्स होता जा रहा था। वो एक टावल उठाने की कोशिश कर रही थी जो कि कुछ नाइफ्स के ऊपर रखा था और उसे उठाने के चक्कर में एक नाइफ उसके अंदर घुस जाता है। जब तक एलेक्स उसके घर पहुंचता है तब तक वहां आग लग चुकी थी और मिस ल्यूटन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। फिर भी एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी एक चेयर उसके ऊपर गिर जाती है जिससे वो नाइफ और अंदर घुस जाता है और मिस ल्यूटन मर जाती है। हड़बड़ाहट में एलेक्स वो नाइफ बाहर निकाल लेता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने खुद को कहां फंसा लिया। ऊपर से उस घर की गैस भी खुली थी। एलेक्स जल्दी से बाहर भागता है और उसके बाहर निकलते ही वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। इत्तेफाक से बिली वहां से गुजर रहा था और वो एलेक्स को बाहर निकलते हुए देख लेता है। बिली के बयान के बेसिस पर एलेक्स की तलाश शुरू हो जाती है लेकिन वो घर से फरार था, सिर्फ क्लेयर को ही पता था कि वो कहाँ है। वो बिली और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है क्योंकि उन्हें जानना था कि उनमें से अगला कौन है। वो एलेक्स को एक जगह से उठा लेते हैं लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि बताकर भी कोई खास मदद नहीं होने वाली थी और हमें तो पता ही है कि अगला कार्टर है। एलेक्स के ना बताने से कार्टर का दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है कि जब मरना ही है तो अभी क्यों नहीं। वो कार को फुल स्पीड पर चलाने लगता है ताकि वो सब उसकी मर्जी से मरे, लेकिन डेथ किसी की मर्जी से नहीं चलती।
कहते हैं जब तक किसी की मौत नहीं आती तब तक चाहे वो कुछ भी कर ले वो नहीं मर सकता। ऐसा ही कार्टर के साथ हो रहा था। डेथ ने उसके लिए कुछ और प्लान किया हुआ था। वो बहुत डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था फिर भी उसे स्क्रैच तक नहीं आता। तब वो एक रेल ट्रैक पर ले जाकर कार खड़ी कर देता है। वो तीनों तो कार से बाहर निकल जाते हैं लेकिन कार्टर कार में ही बैठा रहता है। सामने से ट्रेन आ रही थी और वो तीनों कार्टर को समझा रहे थे। कार्टर कहता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। वो कार स्टार्ट करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वो ऐसे ही मरेगा। डेथ ने उसके लिए यही डिज़ाइन सोचा है। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वो सीट बेल्ट खोलता है तो सीट बेल्ट भी नहीं खुलती। अब कार्टर का टाइम आ चुका था लेकिन एलेक्स फिर से बीच में कूद जाता है। वो किसी तरह कार्टर को बचा लेता है। उसने एक बार फिर से डेथ के प्लान को चीट कर दिया लेकिन अगर कार्टर बच गया तो अब उससे अगला मरेगा और ये समझने में वो बहुत टाइम लगा देते हैं। कार्टर से अगला था बिली। वो ट्रेन कार के एक टुकड़े को नॉक कर देती है और वो सीधा बिली के सर को अलग कर देता है। अब एलेक्स समझ चुका था कि अगर वो डेथ के प्लान से किसी को सेव कर लेगा तो डेथ उसे स्किप करके नेक्स्ट पर्सन को ले जाएगी और वो बच जाएगा। कार्टर बच चुका था और अब बचे थे एलेक्स और क्लेयर। अगली बारी थी एलेक्स की। एलेक्स खुद को क्लेयर के डैड के कैबिन में बंद कर लेता है और वो वहाँ की हर एक चीज़ को डक्ट टेप से चिपका देता है। वो पूरी सावधानी बरत रहा था लेकिन अचानक वो अपनी सीट चेंजिंग को दोबारा रिकॉल करता है और उसे याद आता है कि क्लेयर उसके आगे वाली सीट पर बैठी थी, यानी कि अगला नंबर उसका नहीं बल्कि क्लेयर का है। उधर क्लेयर को उसकी चिंता हो रही थी इसलिए वो FBI एजेंट्स को उसका पता बता देती है ताकि वो उसे सेफ रख पाए। एलेक्स क्लेयर को बचाने जा रहा था तभी पीछे से वो एजेंट्स आ जाते हैं। एलेक्स किसी तरह उनसे जान बचाकर भागता है क्योंकि उसे पता था कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते। उधर क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक केबल टूट चुकी थी और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लेयर नीचे जाती है। तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उसमें से पानी निकलकर चारों तरफ फैल जाता है और उस पानी में था हैवी करंट। क्लेयर अपने डॉग को बचा लेती है और वो खुद भी किसी तरह बच जाती है। वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन अल्टीमेटली वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है। एलेक्स भी वहां पहुंच चुका था लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। वो इलेक्ट्रिक केबल उसकी कार पर पड़ी थी और कार के चारों तरफ आग भी लग चुकी थी, यानी कि डेथ का फुल प्रूफ प्लान था लेकिन एलेक्स इसमें भी दखल दे देता है। वो उस केबल को पकड़कर कार से हटा देता है और इतने में क्लेयर कार से बाहर निकल जाती है। तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है। एलेक्स ने फिर से डेथ को चीट कर दिया और अब क्लेयर भी सेफ थी लेकिन शायद वो खुद नहीं बच पाया। इसके बाद हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने जाते हैं और उनके साथ एलेक्स भी था, यानी कि उन तीनों ने ही डेथ को दोबारा चीट कर दिया था और अब वो अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? एलेक्स को लग रहा था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि कार्टर और क्लेयर की बारी पे तो उसने बीच में दखल दिया था लेकिन उसकी बारी पे तो किसी ने दखल दिया ही नहीं। फिर वो कैसे बच गया? उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई और उसे बिल्कुल ठीक लग रहा था क्योंकि तभी वहां खड़ा एक आदमी जॉन डेनवर का वही सॉन्ग गाने लगता है जो कि उस दिन एयरपोर्ट पर चल रहा था। एलेक्स को ठीक नहीं लगता और वो वहां से जाने लगता है। तभी कार्टर उसे आवाज लगाती है और वो एक बस एक्सीडेंट से बच जाता है लेकिन वो बस एक खंबे से क्रैश हो जाती है जिससे एक साइनबोर्ड नीचे गिर जाता है और वो सीधा एलेक्स की तरफ बढ़ रहा था लेकिन कार्टर उसे बचा लेता है। यानी कि एलेक्स के लिए डेथ ने ये डिजाइन प्लान किया था जिसे उन्होंने स्किप कर दिया। और जब डेथ किसी को स्किप करती है तो आपको पता ही है कि वो नेक्स्ट इंसान को ले जाती है और नेक्स्ट इंसान है कार्टर। तो यहाँ डेथ का प्लान कंटिन्यू रहता है लेकिन ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने मूवी के स्टार्ट में ही कहा था कि इसका कॉन्सेप्ट ही है जो इसे यूनिक बनाता है, प्लस इसका प्लॉट भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो कि स्टोरी में और ज्यादा थ्रिल ऐड करता है। टेरी और बिली दोनों की ही डेथ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और यही कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें इस फिल्म से चिपकाए रखते हैं। अब आपने मूवी देख ली है तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें किलर डेथ है। वीडियो के स्टार्ट में ये सुनना बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन अब तो आप भी समझ गए होंगे कि डेथ भी एक पावर है जो कि इस दुनिया में वर्क करती है। डेथ को अगर ह्यूमन फॉर्म में देखा जाए तो हर जगह इसके अलग रूप हैं, जैसे ग्रिम रीपर या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल है यमराज। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि डेथ में कोई कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं होता, सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है। कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें लोग मर गए थे लेकिन फिर दोबारा जिंदा हो गए क्योंकि डेथ के प्लान में वो शामिल नहीं थे। और इसे आप प्योर अंधविश्वास मान सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल सच है। मूवी का नाम फाइनल डेस्टिनेशन इसलिए है क्योंकि सबकी फाइनल डेस्टिनेशन डेथ ही है। चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी बचने की कोशिश कर लो, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बदलने वाली। तो मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इमेजिनरी भी हम नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी होता है जब हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए और उसी वक्त वो हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी का बजट था $23 मिलियन और इसने $112.9 मिलियन की कमाई की थी। इसे मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे जिस वजह से ये मूवी बहुत सक्सेसफुल रही थी। और मजे की बात यह है कि ये स्टोरी किसी मूवी के लिए नहीं लिखी गई थी, ये द एक्स फाइल्स नाम के TV शो के लिए लिखी गई थी।
इसके ऊपर एक एपिसोड बनने वाला था, लेकिन न्यू लाइन सिनेमा को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और ऐसे ये एक मूवी बन गई। अब फैक्ट स्टार्ट हो ही चुके हैं तो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। इस मूवी के ओपनिंग सीन में एलेक्स को सोते हुए दिखाना था और वो सच में सो गया था पूरे 4 घंटों के लिए। मिस ल्यूटन के घर के एक्सटीरियर को 5 दिन के अंदर बनाया गया था। वहां रहने वाले लोगों को वो घर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो नहीं चाहते थे कि उसे ब्लास्ट किया जाए। फिल्म में दिखाई गई ज्यादातर न्यूज फुटेज रियल है। उसे लिया गया है 1966 के फ्लाइट 800 एक्सप्लोशन से। और सिर्फ फुटेज ही नहीं बल्कि उस क्रैश से और भी बहुत कुछ इस फिल्म में लिया गया है। उस फ्लाइट में सच में कुछ फ्रेंच क्लब के हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे और उस ब्लास्ट की वजह कभी पता नहीं चल पाई थी। इस फिल्म के बाद डिसाइड किया गया कि एक्सप्लोजन मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ था। क्लेयर के डैड का कैबिन वही कैबिन है जो कि लेक प्लेसिड मूवी में था। मूवी में एलेक्स को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट का डिपार्चर टाइम एग्जैक्ट उसकी बर्थ डेट है, यानी कि 9/25। जब वो प्लेन में बैठता है तो उसकी सीट थी आई, जो कि अल्फाबेट्स का 9th लेटर है, और उसकी सीट की रो थी नंबर 25, यानी कि 925। इस मूवी में हमें कई बार 180 देखने को मिला क्योंकि मूवी का ओरिजिनल टाइटल फ्लाइट 180 था। इसे बाद में बदलकर फाइनल डेस्टिनेशन किया गया। एलेक्स और क्लेयर के रोल के लिए पहली चॉइस थे टोबी मैकग्यूरी और क्रिस्टन डंस्ट, जो कि बाद में सैम रेमी की स्पाइडरमैन में दिखे थे पीटर पार्कर और मैरी जेन के रोल में। पूरी फ्रेंचाइज में सबसे छोटा ओपनिंग डिजास्टर इसी मूवी में दिखाया गया है। प्लेन क्रैश का सीन सिर्फ 2 मिनट का था। चाइना में इसका टाइटल रखा गया था द डेथ गॉड कम्स। साउथ कोरिया में इस मूवी का टाइटल है सिर्फ डेस्टिनेशन। इस फिल्म में टॉड नाम में 2 डी नहीं लगाए गए क्योंकि जर्मन में टॉड का मतलब डेथ होता है। टॉड के मरने से पहले एलेक्स की विंडो पर एक आउल आता है। कई कल्चर्स में आउल को डेथ का सिंबल माना जाता है। ये पहली ऐसी टीन हॉरर फिल्म थी जिसमें किसी मर्डरर ने टीन्स को नहीं मारा। इसके बाद सिर्फ 3 ऐसी मूवी रिलीज हुई हैं जिनमें किसी मर्डरर ने टीन्स को नहीं मारा। वो है वीजी, अनफ्रेंडेड और ट्रूथ और डेयर, और ये तीनों ही मूवीज ब्लम हाउस की हैं। पहले इस मूवी में डेथ को एक ब्लैक शेडो के रूप में दिखाया जाने वाला था, लेकिन बाद में यह आइडिया बदल दिया गया। जिस सीन में कंप्यूटर का कांच मिस ल्यूटन के गले में जाता है, असल में उस सीन को उल्टा शूट किया गया था और वो हमें रिवर्स करके दिखाया गया। एंड में जब कार्टर नियॉन साइन से मरता है तो वो नंबर 180 दिखाता है, जो कि उनके प्लेन का रेफरेंस है। इस मूवी का बॉडी काउंट 5 है, अगर फ्लाइट के 287 पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाए तो। जो बस सीटिंग वाला सीन था उसे शूट करने में 3 दिन लगे थे। इस फिल्म में एलेक्स टोटल 7 बार मरते मरते बचा है, जो कि उसे अकेला ऐसा कैरेक्टर बनाता है जिसने इतनी बार डेथ के प्लान को फेल किया। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।